अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हमारा जो है वो पॉलीमर प्रोसेसिंग पे है। आपको पता है जो कोर्स हम पढ़ रहे हैं पॉलीमर साइंस एंड प्रोसेसिंग, उसमें हम जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उन प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है। हम लोगों ने डिफरेंट पॉलीमराइजेशन की टेक्निक्स डिस्कस की हैं। हमने फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन डिस्कस की है, जिसमें फ्री रेडिकल इन्वॉल्व होते हैं। हमने एनायनिक पॉलीमराइजेशन और केटायनिक पॉलीमराइजेशन डिस्कस किए हैं, जिनमें एनायन और केटायन इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद एनायनिक पॉलीमराइजेशन में भी हमने चूंकि कहा था कि उसकी टर्मिनेशन मुश्किल से होती है, तो उसी से आगे फिर हम लिविंग पॉलीमराइजेशन के बारे में डिस्कस किया है। और लिविंग पॉलीमराइजेशन के बारे में मैंने कहा था कि लिविंग पॉलीमराइजेशन जो है उसमें जो प्रॉपर्टीज हैं बड़ी आसानी के साथ हम लोग ट्यून कर सकते हैं। हम लोग जो मालिकुलर मैस है बड़ी आसानी के साथ मालिकुलर मैस हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो है आप लोगों को शुरू में जो लेक्चर था, उस शुरू वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग एक्सपेंट मैन जो है इसमें जो पॉलीमर यूज होता है, और इसी तरह एक जो डाइपर वगैरह है उसमें जो हमारे पास यूज होता है पॉलीमर, तो इसमें चार चीज़ें हैं, चार डिफरेंट फील्ड्स हैं पॉलीमर केमिस्ट्री में। नंबर वन पे ये आता है कि हम पॉलीमर को सिंथेसाइज कैसे करेंगे, और ये हमारे पास पॉलीमर केमिस्ट्री का फील्ड है। नंबर टू पे हमारे पास आता है कि हम लोग उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो चेंज करके प्रॉपर्टीज कैसे चेंज करेंगे, ये हमारे पास पॉलीमर फिजिक्स में आता है। और एग्जैक्टली हम लोग अभी यही कुछ करने जा रहे हैं कि हम लोग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज करके पॉलीस्टाइरीन या पॉलीमर की सॉरी प्रॉपर्टीज कैसे चेंज करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है कि व्हाट आर द मटेरियल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर, ये हमारे पास पॉलीमर मटेरियल में आता है। और इसी तरह हम इन पॉलीमर से प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं, ये हमारे पास पॉलीमर प्रोसेसिंग में आता है। आज के लेक्चर में जो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे वो पॉलीमर जेल्स एंड हाइड्रोजेल्स हैं, वो ब्लॉक को पॉलीमर्स हैं और पॉली इलेक्ट्रोलाइट हैं। ये चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है। नंबर वन पे हमारे पास पॉलीमर चेन आर्किटेक्चर जो है वो कैसे होता है। आप लोगों को पता है हम लोगों ने लीनियर स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में देखा था कि हमारे पास पॉलीमर्स की लीनियर चेन बनती है, और फिर हमने नॉन लीनियर स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में देखा था कि वो जो हमारे पास चेन बनती हैं वो आपस में क्रॉस लिंक होती है। इस तरीके से हमारे पास ये लीनियर पॉलीमर चेन्स हैं और ये हमारे पास क्रॉस लिंक पॉलीमर चेन्स हैं, जो कि हमने लीनियर और लीनियर स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में और नॉन लीनियर स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था। उसके बाद हमारे पास व्हाट हैपेंस इफ वी कनेक्ट चेन्स टू फॉर्म नेटवर्क, अगर हम नेटवर्क बनाएं तो क्या होता है, इसके बारे में हमारी बात हो भी चुकी है लेकिन थोड़ा डिटेल से बात कर लेते हैं आज फिर कि चेन और नेटवर्क में क्या फर्क है। आपको पता है लीनियर स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में हमारे पास जो चेन्स बनती हैं, जो हमारे पास लीनियर चेन बनती हैं, इस तरह अगर हम लीनियर चेन को कनेक्ट करें तो हमारे पास इस तरह हाईली क्रॉस लिंक, अगर लीनियर चेन को हम कम कनेक्ट करें तो हमारे पास लो क्रॉस लिंक पॉलीमर बनते हैं, और अगर ज्यादा कनेक्ट करें तो हाईली क्रॉस लिंक पॉलीमर बनते हैं। अब जो लीनियर चेन्स हैं इनमें आपको पता है इनमें कोई क्रॉस लिंक नहीं है, तमाम चेन्स जो हैं वो फ्री हैं, जबकि लो क्रॉस लिंक पॉलीमर में चूंकि क्रॉस लिंकिंग कम है तो इसकी क्रॉस लिंकिंग डेंसिटी हम कहेंगे कम है, हाई क्रॉस लिंकिंग डेंसिटी जो है वो ज्यादा है। और आप लोगों को पता है कि नॉन लीनियर स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोग कैसे ये कंट्रोल करते हैं कि क्रॉस लिंकिंग पॉइंट ज़्यादा फासले पे हूँ या कम फासले पे हूँ। हम लोग वहाँ पे जो मोनोमर यूज होते हैं उनमें कार्बन चेन लेंथ कंट्रोल करते हैं, अगर आपको याद हो। इसी तरह हमारे पास जो लीनियर चेन ग्रोथ पॉलीमर, जो लीनियर हमारे पास पॉलीमर्स हैं, इन ऑर्डर टू रीच दिस स्टेट सिंपल पॉलीमराइजेशन जो है वो की जाती है। इसमें क्या होता है, हम लोग क्रॉस लिंकिंग स्पीशीज ऐड करते हैं तो हम लोग लो क्रॉस लिंक पॉलीमर हासिल करते हैं, और इसमें हम लोग क्या करते हैं लॉट ऑफ क्रॉस लिंकिंग स्पीशीज ऐड करते हैं तो हाईली क्रॉस लिंक पॉलीमर जो है हमारे पास बन जाते हैं। लीनियर जो है चेन्स, इसमें चेन सारी इंडिपेंडेंट होती हैं, उनके दरमियान कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता, जबकि हमारे पास जो लो क्रॉस लिंक है में लूज कनेक्शन होता है जैसे कि आप देख सकते हैं, और इस तरह हमारे पास स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है हाईली क्रॉस लिंक पॉलीमर। अब मैकेनिक्स, व्हाट हैपन्स इफ वी स्ट्रेच द मटेरियल, अगर मटेरियल को स्ट्रेच करें तो क्या होगा, लीनियर के केस में क्या होगा, लो क्रॉस लिंक के केस में क्या होगा और हाई क्रॉस लिंक के केस में क्या होगा।
लीनियर के केस में इफ वी पुल द मटेरियल ऑल द पॉलीमेरिक चेन मूव इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंटली इकट्ठा होना था कि जब हम लोग उसको, जाहिर है जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग ये नूडल्स बनाते हैं, नूडल की तमाम चेन बेशक उनमें इंटेंगलमेंट होती है लेकिन वो इंडिपेंडेंटली होती हैं। अगर हम लोग उसको चेन्स को हम आसानी से अलग कर सकते हैं, इस तरह जो लीनियर चेन पॉलीमर्स हैं उसको हम पुल करें तो जाहिर है पुल करके हम चेन्स को अलग करते हैं और चेन्स इंडिपेंडेंटली जो है वो मूव करती हैं और मटेरियल जो है वो फ्लो भी कर सकता है और हम उसको विस्को इलास्टिक मटेरियल को बोलते हैं। इफ वी पुल दीज मटेरियल, लेकिन अगर लो क्रॉस लिंक को हम पुल करें तो पॉलीमर चेन इज स्ट्रेच्ड, पॉलीमर इज स्ट्रेच्ड, यहाँ पे स्ट्रेच्ड होना है स्ट्रेच्ड, इट मीन्स क्रॉस लिंकिंग पॉइंट स्ट्रेच, क्रॉस लिंकिंग पॉइंट जो है वो स्ट्रेच होते हैं। इन मटेरियल को आसानी से पुल किया जा सकता है, लेकिन एक बात याद रखें इसमें चेन्स अलहदा अलहदा नहीं है बल्कि क्रॉस लिंक है, तो इनमें इलास्टोमेरिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो रबर जो है एग्जैक्टली यही चीज होती है, रबर में ऐसे ही होता है कि हमारे पास लॉन्ग चेन्स होती हैं जिनको क्रॉस लिंक किया गया होता है और हम कहते हैं कि ये हमारे पास इलास्टोमर है, लॉन्ग चेन को क्रॉस लिंक किया जाता है, लेकिन क्रॉस लिंकिंग पॉइंट जो है वो दूर दूर होते हैं इसलिए हम उनको स्ट्रेच कर सकते हैं। जबकि इसमें क्या होता है हम लोग इसको स्ट्रेच करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि क्रॉस लिंकिंग पॉइंट नजदीक नजदीक होते हैं और क्रॉस लिंकिंग पॉइंट बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ। हम लोग अगर इसको स्ट्रेच करना चाहते हैं तो एक ही सूरत है कि सारे के सारे बॉन्ड ब्रेक हों तब जाके ये स्ट्रेच होता है। दीज आर हार्ड मटीरियल्स, कैन नॉट इजली आसानी से डिफॉर्म नहीं किए जा सकते जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि क्रॉस लिंकिंग पॉइंट नजदीक नजदीक होते हैं। अब अगर इनमें सॉल्वेंट डालें तो क्या होगा वो देखें, सॉल्वेंट क्या होता है लिक्विड दैट डिजॉल्व द पॉलीमर, जो लिक्विड पॉलीमर को डिजॉल्व करता है उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे। लीनियर के केस में क्या होगा, लो क्रॉस लिंक के केस में क्या होगा, हाई क्रॉस लिंक के केस में क्या होगा। अब लीनियर के केस में क्योंकि चेन्स का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है तो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं वो चेन को सराउंड कर लेते हैं और चेन जो है वो सॉल्युबलाइज हो जाती है। इफ वी पुट दीज टाइप ऑफ पॉलीमर इन सॉल्वेंट, फर्स्ट दीज चेन्स आर सराउंडेड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल चेन को सराउंड करते हैं जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है, जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं विच इन टर्न ब्रेक दीज चेन एंड हील द लिक्विड, तो ऐसे जो चेन है उनमें थोड़ा बहुत कनेक्शन होता भी है तो वो खत्म हो जाता है क्योंकि उनमें इंटेंगलमेंट होती है और तो कोई कनेक्शन नहीं होता। तो इस तरह ये जो है सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं और एक लिक्विड बन जाता है, एक सोल्यूशन बन जाता है पॉलीमर का सॉल्वेंट के अंदर और डिसोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब लो क्रॉस लिंक के केस में देखें क्योंकि चेन्स के दरमियान वहां पे कुछ कनेक्शन तो है, क्रॉस लिंकिंग तो है, लेकिन वाटर क्योंकि लूज क्रॉस लिंकिंग है वाटर जो है उसमें पेनिट्रेट कर जाता है। इफ वी पुट दीज मटेरियल इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ऑल्सो सराउंड द पॉलीमर, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पॉलीमर को सराउंड कर लेते हैं जैसे यहाँ पे किया है, लेकिन यहाँ में और यहाँ में एक फर्क है, यहाँ पे इनके दरमियान कोई क्रॉस लिंकिंग नहीं है, लेकिन बिकॉज दीज क्रॉस लिंकिंग पॉइंट्स आर फार अपार्ट, दूर दूर होते हैं इसलिए सॉल्वेंट उनके नेटवर्क में एंटर हो जाता है जैसा कि ये है। उससे क्या होता है फिर, उससे हमारे पास है उससे वो वाटर डिजॉल्व करके वो स्वेल हो जाता है, डिजॉल्व तो नहीं होता लेकिन वो स्वेल हो जाता है, काफी सारी खाली जगह होती है स्वेल हो के हम लोग कहते हैं कि ये वाटर डालने से स्वेल हो गया। हाई क्रॉस लिंकिंग में क्या होता है, इसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल एंटर नहीं हो सकते, वो अलग अलग चेन्स को सराउंड नहीं कर सकते क्योंकि क्रॉस लिंकिंग पॉइंट के दरमियान फासला बहुत कम है तो मॉलिक्यूल एंटर नहीं हो सकते, तो इसके ऊपर हम कहते हैं कि कोई इफेक्ट नहीं है सॉल्वेंट। अब लीनियर में लो क्रॉस लिंक, तो हाई क्रॉस लिंक में और क्या कुछ होता है वो देखें। अब जो हमारे पास लीनियर जब वाटर में या किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व होती है इट मे बी विस्कस बिकॉज पॉलीमर आर प्रेजेंट इनसाइड बट नेवर नेवर्थलेस इंटायर मटेरियल विल बिहेव एज अ लिक्विड, एक सॉल्यूशन के तौर पे बिहेव करेगा सारे का सारा मटेरियल। अब इसमें क्या होता है ऑल चेंज आर सराउंडेड बाय सॉल्वेंट बट मटेरियल कैन नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड, मटेरियल कंप्लीटली सेपरेट नहीं होता बिकॉज ऑफ क्रॉस लिंकिंग पॉइंट, वो डिजॉल्व तो नहीं होते लेकिन वो स्वेल कर जाते, स्वेलिंग बिहेवियर ऑफ पॉलीमर, सॉफ्ट मटेरियल हैविंग लॉट ऑफ लिक्विड, तो छोटे से मटेरियल के अंदर बहुत सारा लिक्विड पेनिट्रेट कर जाता है जिससे हम लोग कहते हैं। और दिस मटेरियल इज कॉल्ड जेल, और ऐसे मटेरियल को जो वाटर एब्जॉर्ब करके उसमें डिजॉल्व तो ना हो लेकिन सेवेल कर जाए उसको हम जेल कहते हैं, और इसी से फिर आगे हाइड्रोजेल भी निकला है। वाटर के अंदर अगर ऐसा बिहेवियर शो करे तो हाइड्रोजेल है, जेल में जैसे मॉइस्चराइजिंग क्रीम होती
जैसे हम मटेरियल को कुछ सोक करते हैं तो पानी जब करके वो मटेरियल जो है वो स्वेल कर जाता है। इसी तरह हाई क्रॉसलिंग में सॉल्वेंट एंटर नहीं हो सकता, तो ये इनसॉल्वेबल होते हैं, बहुत हार्ड मटेरियल रहते हैं सॉल्वेंट के साथ ही, रेजिस्टेंस टू सॉल्वेंट है, क्योंकि सॉल्वेंट इस पर कोई असर नहीं करते, तो कोई भी सॉल्वेंट या कोई केमिकल इन पर असर नहीं करता, ये रेजिस्टेंस टू सॉल्वेंट है और केमिकल रेजिस्टेंस है। दिस कैन प्रिवेंट द मटेरियल फ्रॉम सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट हम चूंकि मर्जी से ऐसे मटेरियल बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि सॉल्वेंट पेनिट्रेट ना करे, या केमिकली रेजिस्टेंस हम पॉलीमर बनाना चाहते हैं, हाई क्रॉस लिंक पॉलीमर जो है वो हम बनाते हैं। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्रॉस लिंक्स क्या होते हैं वो आप देखें जरा। अब हम आप लोग देख सकते हैं इसमें तो ये हाईली क्रॉस लिंक, इसमें तो वाटर पेनिट्रेट कर ही नहीं रहा, सॉल्वेंट इसमें पेनिट्रेट कर रहा है, तो हाई क्रॉस लिंकिंग डेंसिटी और लो क्रॉस लिंकिंग डेंसिटी में क्या फर्क पड़ता है? आर पॉलीमर चेन्स आर स्ट्रांगली इंटरकनेक्टेड, ऑल पॉलीमर चेन्स आर लूजली कनेक्टेड, वेरी हार्ड मटेरियल, ये वेरी सॉफ्टर मटेरियल है, नो सॉल्वेंट कैन फाउंड पॉलीमर चेन्स, इसमें सॉल्वेंट कैन फाउंड पॉलीमर चेन सेगमेंट्स, नेटवर्क बिकम्स इनसॉल्युबल, इसमें पॉलीमर नेटवर्क स्वेल कर जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोसेट, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज इनकी हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज जो है एक जेल की तरह के हैं। आपको पता है प्लास्टिक की दो टाइप थी, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, तो लेकिन जो ये स्वेल कर जाते हैं, जो सॉल्वेंट की मौजूदगी में स्वेल कर जाए, हम कहते हैं ये जेल है। अब इसमें देखें, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ क्रॉस लिंकिंग पॉइंट वी गेट एक्सट्रीमली डिफरेंट मटेरियल। हम लोग नॉन लीक स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन डिस्कस कर चुके हैं कि क्रॉस लिंकिंग पॉइंट का फासला जो है वो चेंज करके, कार्बन चेन की जो है उसकी लेंथ चेंज करके हम लोग डिफरेंट मटेरियल जो है वो हासिल करते हैं। वी गेट समथिंग वेरी हार्ड एंड ड्यूरेबल एंड समथिंग वेरी स्वेली एंड जेल लाइक और समथिंग दैट आर कम्प्लीटली डिजॉल्व बिकॉज ऑफ लीनियर चेंज। हम लोग क्या कर सकते हैं लीनियर स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन की केस में, क्योंकि चेन के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं होता, वो डिजॉल्व हो जाते हैं, या फिर हम एक ऐसा मटेरियल, क्रॉस लिंकिंग पॉइंट दूर दूर हूँ, हम एक ऐसा मटेरियल हासिल करते हैं जो स्वेल कर जाता है सॉल्वेंट डालने से, या फिर ऐसा मटेरियल हासिल करते हैं अगर क्रॉस लिंकिंग पॉइंट नजदीक नजदीक हूँ, ऐसा मटेरियल हासिल करते हैं जो बिल्कुल डिजॉल्व नहीं होता और केमिकल रेजिस्टेंस होता है। ऑल मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर आर वेरी डोमिनेंट इन डिटरमिनिंग द स्ट्रक्चर, बट नाउ वी विल डिस्कस हाउ वी कैन एक्चुअली इंड्यूस क्रॉस लिंकिंग, क्रॉस लिंकिंग हम तो कैसे कर सकते हैं। इन लेक्चर 3 जो हमने किया है नॉन लीनियर स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में, वेयर वी क्रिएट पॉलीमर नेटवर्क बाई हैविंग मल्टीफंक्शनल मोनोमर्स से हम लोगों ने ये किया था। हाउ कैन वी क्रॉस लिंक पॉलीमर दैट आर फाउंड बाई रेडिकल पॉलीमराइजेशन, रेडिकल पॉलीमराइजेशन से जो पॉलीमर बनते हैं उनको हम क्रॉस लिंक कैसे कर सकते हैं, हाउ टू क्रॉस लिंक। क्रॉस लिंक करने की 3 स्ट्रेटजीज हैं। पहली स्ट्रेटजी है क्रॉस लिंक आफ्टर पॉलीमराइजेशन, कि पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पॉलीमराइजेशन कर लेते हैं। पॉलीमराइजेशन करने से लॉन्ग चेन पॉलीमर जो होती है, या लॉन्ग पॉलीमर चेन की साइड पे एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप होता है जो इंटैक्ट होता है, अभी तक उसको किसी के साथ रिएक्शन नहीं होता। जब ये पॉलीमर बन गए जिनकी साइड पे एक फंक्शनल ग्रुप है, फिर हम पॉलीमर चेन्स का आपस में रिएक्शन करवाते हैं। पहले पॉलीमराइजेशन करवाई, उनकी साइड पे फंक्शनल ग्रुप डेवलप किया, और फिर इन पॉलीमर चेन्स का आपस में रिएक्शन करवाया, ये फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट कर गए, जिससे हमारे पास क्रॉस लिंकिंग। दूसरा तरीका है क्रॉस लिंक ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन के दौरान ही आप क्या करते हैं, मोनोमर के अंदर ही क्रॉस लिंकर डाल देते हैं। क्रॉस लिंकर डालने से वो पॉलीमराइजेशन भी होती रहती है, साथ साथ क्रॉस लिंकिंग भी होती जाती है। तीसरा है मल्टी फंक्शनल मोनोमर, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि अगर एक दो से ज्यादा फंक्शनैलिटीज होंगी तो हम मल्टी फंक्शनल मोनोमर्स कहते हैं। हम नॉन लीनियर स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कर चुके हैं, ये उसमें भी आगे क्रॉस, हाउ टू क्रॉस लिंक में पहली स्ट्रेटजी क्रॉस लिंक आफ्टर पॉलीमराइजेशन। वी हैव लीनियर पॉलीमर चेन्स, वन ऑफ दीज चेन कंटेनिंग अ ग्रुप एक्स, एक फंक्शनल ग्रुप होता है साइड पे, एक्स इज एबल टू अंडरगो क्रॉस लिंकिंग आफ्टर सर्टन टाइम बाई अप्लाइंग सम स्टिमुलस। हम कुछ स्टिमुलस अप्लाई करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर अप्लाई किया, या हम लोगों ने रेडिएशन अप्लाई की, तो वो पॉलीमर चेन आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। सपोज हमारे पास ये एक्स है, ये हमारे पास एक पॉलीमर चेन है जिसकी साइड पे फंक्शनल ग्रुप एक्स है, ये दूसरी हमारे पास पॉलीमर चेन है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लाइट ऊपर डालते हैं, एच न्यू मीन लाइट, या टेम्परेचर डालते हैं, जैसे ये पॉलीमर चेन आपस में रिएक्शन कर जाती हैं और हमारे पास क्रॉस लिंकिंग जो है हो जाती है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट वुड यू फर्स्ट मेक पॉलीमर चेन एंड देन क्रॉस लिंक देम, कि पहले हम पॉलीमर चेन बनाएंगे बाद में क्रॉस लिंक करेंगे? यस ऑफ कोर्स, इट मेक्स हैंडलिंग इजी, मच इजियर, बिकॉज वी हैव फ्री पॉलीमर डिजॉल्व देम लिक्विड
प्रोसेस देम एंड यू कैन क्रॉस लिंक। अब ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप लोग केमिकल करवाते हैं तो किसी ना किसी सॉल्वेंट में करवाते हैं, अगर आप पहले ही उसको क्रॉस लिंक कर दें तो आप क्रॉस लिंक कर देंगे तो बाद में डिजॉल्व भी नहीं होगा, तो आप रिएक्शन कैसे करवाएंगे। उसका तरीका ये है कि पहले लीनियर पॉलीमर चेन्स बनाएं जिनके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप हो। आपको पता है जब लीनियर चेन क्रॉस लिंकिंग ना हो किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाएंगी, जब सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाएंगी तब आप टेम्परेचर या स्टिमुलस या लाइट अप्लाई करें तो आप लोग को आपस में उस सॉल्वेंट की मौजूदगी में वो चेन्स आपस में रिएक्शन करेंगी, जिससे हमारे पास क्या बनेगा, एक नेटवर्क जो है वो बन जाएगा और वो क्रॉस लिंक हो जाएगा। यानी पहले हमने पॉलीमर बनाने हैं अलहदा अलहदा चेन ताकि वो डिजॉल्व हो जाए, बाद में हम टेम्परेचर अप्लाई करके उन चेन्स का आपस में रिएक्शन करवाएंगे जिससे उनकी क्रॉस लिंक हो जाए। वंस दे क्रॉस लिंक दे नेवर कम बैक टू देयर ओरिजिनल फॉर्म, अब प्रोमिनेंटली या परमानेंटली फिक्स, ये परमानेंटली फिक्स होगा कि एक दफा क्रॉस लिंक हो गए तो परमानेंट फिक्स हो जाए। व्हेन दे क्रॉस लिंक देन इट्स परमानेंटली फिक्स्ड एंड इट इज कॉल्ड थर्मोसेटिंग और अ रेजिन एंड यू कैन नॉट डिजॉल्व इट एनी मोर। आप इसको डिजॉल्व नहीं कर सकते। दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन व्हेन यू पेंट योर गार्डन। जब क्या होता है आप गार्डन फर्नीचर के ऊपर पेंट करते हैं, यूं ही पेंट करते हैं तो उनमें कुछ साइड पे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उन पॉलीमर पेंट में पॉलीमर की होती है कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जब ऊपर से लाइट पड़ती है या आप पड़ती है सूरज रोशनी पड़ती है तो वो आपस में उन चेन्स में जो साइड पे फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनका आपस में रिएक्शन शुरू हो जाता है, जिससे अब जो है वो हार्ड मटेरियल में चेंज हो गए, अब वो पेंट आसानी से उतर नहीं सकेगी। टू मेक समथिंग विच इज स्क्रैच रेजिस्टेंस, अब आप उसको स्क्रैच भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कोटिंग इन द कार इंडस्ट्री, कार इंडस्ट्री में जो कोटिंग है वो भी इसी तरीके से बनाई जाती है कि पहले वो पॉलीमर की लॉन्ग चेन्स होती हैं, जब उनको कार के ऊपर पेंट कर देते हैं तब लाइट पड़ने से या टेम्परेचर डालने से, क्योंकि अगर आप पहले उसको क्रॉस लिंक कर देंगे तो उसको पेंट करना मुश्किल हो जाए। पहले आप उसको पॉलीमर चेन्स बनाएं फिर पेंट करें, फिर वहां पे जाकर उनका आपस में रिएक्शन होता है, जैसे एक स्क्रैच रेजिस्टेंस जो आपके पास मटेरियल बनता है। यू हैव लीनियर पॉलीमर चेन देन यू अप्लाई देम स्प्रे देम पेंट देम एंड लेट देम टू हार्ड, बाद में फंक्शनल ग्रुप के दरमियान रिएक्शन होता है। अगर पहले रिएक्शन करवा देंगे क्रॉस लिंक करवा देंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। दे कैन एदर ऑक्सीडाइज बाय ऑक्सीजन टू फॉर्म क्रॉस लिंक्स और दे कैन पोलीमराइज और क्रॉस लिंक बाय हीट एंड सो, टेम्परेचर से हीट से या फिर ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो पोलीमराइज हो जाते हैं। कोई भी स्टिमुलस बाद में हो सकता है, पहले पोलीमर चेन्स बनानी है ताकि उनको पेंट करना आसान हो, बगैर की विस्कोसिटी कम हो, पेंट करना आसान हो, बाद में आप जब अप्लाई कर देंगे पेंट को उसके बाद वो क्रॉस लिंक करेंगे ऑक्सीजन की मौजूदगी में या फिर हीट की मौजूदगी में या लाइट की मौजूदगी। एज वी क्रॉस लिंक देम वी मेक द कोटिंग मच मोर ड्यूरेबल, रेजिस्टेंस कोटिंग जो है वो ड्यूरेबल रेजिस्टेंस बन जाता है। एग्जाम्पल बेंजोफिनो इज अ सिमेट्रिक मॉलिक्यूल टू एरोमेटिक रिंग्स जॉइन बाई अ कार्बोनिल ब्रिज, इफ वी रेडिएट दिस एंड वी हैव अ सेकेंड पॉलीमर चेन प्रेजेंट सो वी यूज यूवी लाइट 360 नैनोमीटर और सो देन वी विल क्रिएट अ बाई रेडिकल स्पीशीज, वी एक्साइट एरोमेटिक सिस्टम एंड लिफ्ट वन इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट एंड दैट मीन्स दैट दीज टू इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पेयर्ड एनी मोर बट कैन इंडिपेंडेंट रिएक्ट एज टू रेडिकल। नो द क्वेश्चन इज दैट हाउ डू दे रिएक्ट। अब देखें ये एग्जाम्पल है, हमारे पास ये बेंजोफिनोन है, बेंजोफिनोन की एक साइड पे जैसे कि मैंने कहा था कि हमारे पास एक लॉन्ग चेन पॉलीमर है, उस लॉन्ग चेन पॉलीमर की एक साइड में हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप एक्स है, ये फंक्शनल ग्रुप एक्स जो है ये बेंजोफिनोन आप कंसिडर करें। यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है इसके जो दो इलेक्ट्रॉन हैं आप इसको हीट करेंगे ये दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चला गया, कार्बन के पास रह गया। अब एक दूसरी पॉलीमर चेन आती है, ये सपोज पॉलीमर चेन ये वाली है, इसकी साइड पे हमारे पास एक CH3 लगा हुआ था, ये CH2 है, गलती CH लिखा गया, ये CH3 है। अब CH3 में से CH2 ये है, ये H है, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेके यहाँ पे आ गया, एक इलेक्ट्रॉन CH2 के पास रह गया, ये चेन आके यहाँ पे आके जुड़ जाएगी, ये चेन जो है इधर से आके CH2 ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, तो चेन यहाँ पे CH2 की तरफ कनेक्ट हो गई और ये हो गई क्रॉस। तो इस तरीके से पहले हम लोग बनाते हैं चेन जिसकी साइड पे बेंजोफिनोल लगा हो, फिर दूसरी चेन के साथ हम लोग उसका रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्शन खुद ब खुद हो जाता है जब आपको स्टिमुलस जो है वो अप्लाई करते हैं। क्रॉस लिंकिंग में
पहली अप्रोच क्रॉस लिंकिंग आफ्टर पॉलीमराइजेशन, जिसमें पहले हमारे पास ये चेन्स बनी और बाद में इनको क्रॉस लिंक किया। बेंजोफिनोन कंटेनिंग पॉलीमर्स, ये वही बात जो भी बताई है, ये बॉन्ड जो है ये हमारे पास एक पॉलीमर चेन है, ये वाली सारी, इस पॉलीमर चेन के साइड में बेंजोफिनोन लगा है, पाई बॉन्ड के एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, नीचे आ गया, इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड हमने किए। अब हमारे पास के सी एच थ्री था, इस सी एच थ्री में से इस में एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ आ गया, ये ओ एच बन गया, बाकी सी एच टू रह गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। और हमारे पास क्या बना, हमारे पास एक पॉलीमर चेन जो है वो पॉलीमर चेन था क्रॉस लिंकिंग। क्रॉस लिंकिंग ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन कैसे करते हैं, हेयर वी हैव मोनोमर एंड वी ऐड क्रॉस लिंकर, हम क्रॉस लिंकर ऐड करते हैं, द क्रॉस लिंकर डायरेक्टली कनेक्ट टू पॉलीमर चेन विदाउट फॉर्मिंग लीनियर चेन बिफोर हेल्ड, लीनियर चेन बनाने से पहले ही वो क्रॉस लिंकिंग भी साथ साथ शुरू हो जाती है। ये हमारे पास मोनोमर है, एक मोनोमर ये है, ये क्रॉस लिंकर है, तो जो ही प्रोसेस शुरू हुआ तो क्रॉस लिंकिंग जो है वो शुरू। एग्जाम्पल में रेडिकल पॉलीमराइजेशन में मोनोमर इज रेडिकली पॉलीमराइज एंड एड इनिशिएटर, नाउ फाइंड स्पीशीज दैट कैन इंट्रोड्यूस क्रॉस लिंकिंग पॉइंट एज पॉलीमराइजेशन प्रोसीड। अब यहाँ पे आप लोग देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छा आप ये देखें आप लोग कि रेडिकल पॉलीमराइजेशन में हमारे पास क्या है, आप लोगों को पता है कि पॉलीमराइजेशन रेडिकल पॉलीमराइजेशन के लिए डबल बॉन्ड होना जरूरी है, तो यहाँ पे ये जो हमारे पास डबल बॉन्ड है सी डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे ये जो सी डबल बॉन्ड सी है और ये सी डबल बॉन्ड सी है, यहाँ पे रेडिकल पॉलीमराइजेशन के थ्रू मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ कि ये कैसे। आपको पता है यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये आपस में क्या है, ये हमारे पास आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, और इस तरह फिर ये एक इलेक्ट्रॉन ये, इस तरह चेन आगे चलती जाती है, एक इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट मोनोमर से भी। तो हमारे पास ये जो है सी डबल बॉन्ड सी, इससे हमारे पास एक हम लंबी पॉलीमर चेन जो है, इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान बॉन्ड बनता है, पॉलीमर चेन हमारे पास बनती जाती है। अब यहाँ पे एक पॉलीमर चेन हमारी ये बन गई है जो मैंने भी आप लोगों को दिखाई है, यहाँ पे बन गई। अब इस पॉलीमर जब कनेक्ट होती है तो इसकी साइड पे ये जो हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है, ये यहाँ पे आगे जाके दूसरी चेन के साथ, ये जो हमारे पास है यहाँ पे ये साइड इसकी दूसरी चेन के साथ जाके हमारे पास ये कनेक्ट होती है दूसरी साइड पे। तो इस तरह हमारे पास एक मोनोमर है ये, एक मोनोमर ये है, ये मोनोमर आपस में मिलते हैं, और इसी तरह यहाँ क्रॉस लिंकिंग भी, एक चेन ये बनी, एक चेन ये बनी, और इनमें जो है वो क्रॉस लिंकिंग आगे होती जाती है। तो इस तरीके से उसके दौरान ही क्रॉस लिंकिंग हमारे पास होती जाती है, क्रॉस लिंकिंग ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन। इसमें देखें मोनोमर एक है, ये दूसरा मोनोमर है, ये क्रॉस लिंकर है, ये क्रॉस लिंक होते जाते हैं, को पॉलीमराइजेशन विद डाई एक्राइलेट्स जो है ये पॉलीमराइजेशन है। यहाँ पे आप लोग देखें, आपको मजीद अच्छे से यहाँ इस चीज की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। यहाँ पे देखें हमारे पास हमारे पास सी एच डबल बॉन्ड सी है, ये इस तरीके से आपस में इनके दरमियान ये सी डबल बॉन्ड सी, ये सी डबल बॉन्ड सी के दरमियान ये लिंकिंग होती गई। यहाँ हमारे साइड पे, इसमें साइड पे ये वाला ग्रुप है, इसके साइड पे ये वाला ग्रुप है। अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो मैं दोबारा ये आप लोगों के सामने करना चाहता हूँ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिल के आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पे सी और सी के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बना, यहाँ पे ये सी और सी के दरमियान ये वाला कोवलेंट बॉन्ड, और साइड पे हमारे पास एक चेन ये है, बस पे साइड पे एक लंबी चेन हमारे पास। यहाँ पे फिर हमारे पास क्या होता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जो सी डबल बॉन्ड सी है ये इस तरह के यूनिट के साथ आगे यहाँ भी बनाता है, और ये यूनिट यहाँ भी लेके आए और बिल्कुल उसी तरह जैसे ऊपर की है, इस तरह यहाँ पे पास एक पॉलीमर चेन बनी, एक पॉलीमर चेन ऊपर बन गई, एक पॉलीमर चेन नीचे बन गई, और इनके दरमियान क्योंकि यहाँ एक ही मॉलिक्यूल है, इसके दो यूनिट्स इस्तेमाल होंगे, इसका एक यूनिट इस्तेमाल, इसके एक यूनिट में ये वाला यूनिट यहाँ पे और ये वाला यूनिट इसका यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास साइड पे ये चेन हमारे पास है। यानी अगर इसी यूनिट को यहाँ बनाएं तो बिल्कुल उसी तरह हमारे पास इस यूनिट के अंदर वाली साइड पे ये वाला ग्रुप होगा, और हमारे पास दो पॉलीमर चेन जो है उनके दरमियान वो क्रॉस लिंकिंग शुरू होगी। बड़ा आसानी के साथ आप लोगों ने किया हुआ है, तो ये भी आपको बताने के साथ है वो बताने के साथ।
अब मल्टीफंक्शनल मोनोमर में जो तीसरी हमारे पास टाइप की क्रॉस लिंकिंग थी, उसमें आप लोग है कि हमारे पास एक मोनोमर है जिसकी साइड दो फंक्शनल ग्रुप है, एक मोनोमर है चार फंक्शनल ग्रुप है, तो ये ए बी ये ए बी ए बी आपस में ये जुड़ गए जिससे हमारे पास जो है क्रॉस लिंकिंग। क्रॉस लिंकिंग ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन में स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन आप लोग देख चुके हैं इस बात को, फ्रॉम लीनियर पॉलीमर विद ए एंड बी बी कंपोनेंट हमारे पास लीनियर स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बनती है, लेकिन अगर मल्टी फंक्शनल ग्रुप हूँ तो हमारे पास क्रॉस लिंकिंग पॉइंट काफी सारे बनते हैं। ये मजीद समझने के लिए नॉन लीनियर स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन पे आप जाएं तो आपको समझ आ जाएगी। हाउ वी कैन कंट्रोल द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस मटीरियल, द आंसर इज दैट वी शुड बी एबल टू कंट्रोल द क्रॉस लिंकिंग डेंसिटी। नाउ वी एक्सप्लेन दिस अकॉर्डिंग टू थ्री स्ट्रेटजी। क्रॉस लिंकिंग आफ्टर पॉलीमराइजेशन इन दिस सिचुएशन इट इज वेरी इजी टू एडजस्ट, वी सिंपली नीड टू कंट्रोल द एमाउंट ऑफ क्रॉस लिंकर दैट वी हैव इन आवर पॉलीमर चेन। सिर्फ अमाउंट ऑफ क्रॉस लिंकर चेंज करने से तो जो है वो हम एडजस्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज। वी कैन डू दिस बाय कंट्रोलिंग नंबर ऑफ मोनोमर पॉसिबली आल्सो द मोनोमर रिएक्टिविटी। मोनोमर रिएक्टिविटी और क्रॉस लिंकिंग की अमाउंट जो है वो कंट्रोल करके हम क्रॉस लिंकिंग आफ्टर पॉलीमराइजेशन जो है अचीव कर सकते हैं। इसमें देखें कंपोजिशन ऑफ मोनोमर चेंजेस द कंपोजिशन ऑफ पॉलीमर। जो जो मोनोमर की कंपोजिशन चेंज होती है तो पॉलीमर की प्रॉपर्टीज जो हमारे पास चेंज होती है। क्रॉस लिंकिंग ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन में इन दिस केस इट इज वेरी सिंपल, हेयर वी नीड टू वेरी द नंबर ऑफ मोनोमर विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस लिंकर। मोनोमर की तादाद जो है क्रॉस लिंकर के हिसाब से वेरी करें। दिस डिफाइंस हाउ मच पॉलीमर वी हैव बिफोर द नेक्स्ट क्रॉस लिंकिंग पॉइंट इज देन इनकॉर्पोरेटेड द पॉलीमर चेन। कि एक क्रॉस लिंकिंग हुई उसके बाद हमने कितने मोनोमर करते हैं कि दूसरी क्रॉस लिंकिंग, अगर जल्दी निकाल देंगे तो क्रॉस लिंकिंग जल्दी हो जाए। मल्टी फंक्शनल में इन दिस केस वी आर नॉट सो फ्लेक्सीबल, वी हैव ए रिएक्ट ओनली विद बी, सो द रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द लीनियर मोनोमर एंड क्रॉस लिंकिंग मोनोमर। सो वी जस्ट चेंजिंग द अमाउंट ऑफ बी, वी डू नॉट चेंज एनी थिंग सिंपली बिकॉज इफ वी हैव टू मच ए इट विल नॉट रिएक्ट एनी, अगर ए की मिकदार ज्यादा तो ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा। नाउ द क्वेश्चन इज दिस व्हाट वी नीड टू डू हियर। तो अब क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दिस बिकम वेरी हार्ड मटीरियल, थिंक अबाउट एपॉक्सी ग्लू, जैसे एपॉक्सी ग्लू रेजिन में था, बट पॉसिबली इफ वी कैन नॉट मॉडिफाई स्टोइकोमेट्री वी कैन मॉडिफाई टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल ए। मॉलिक्यूल ए की टाइप चेंज करने से भी चेंज हो सकता है। इन केस ऑफ मॉलिक्यूल ए इट कैन आइदर अ वेरी शॉर्ट मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, इट शुड मेक अ वेरी हार्ड मटेरियल क्योंकि एरोमेटिक रिंग आ गई है। यहाँ पे देखें इन दिस केस यू सी समथिंग दैट इज वेरी नैरोली कनेक्टेड, तो आप क्योंकि ये हमारे पास जो ए है एक शॉर्ट चेन नज़दीक नज़दीक होंगी, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे मोनोमर ए को लंबी चेन बना दें, एक चेन और दूसरी चेन के फासला भी ज्यादा हो, इट कैन आइदर अ वेरी लॉन्ग मॉलिक्यूल, अगर ये लॉन्ग मॉलिक्यूल हो के दरमियान फासला भी ज्यादा होगा। इन दिस केस वी हैव समथिंग दैट हैव वेरी लॉन्ग पॉइंट्स बिटवीन क्रॉस लिंकिंग पॉइंट्स, तो एक लॉन्ग पॉइंट होंगे क्रॉस लिंकिंग पर। अब हमारे पास पॉलीमर क्या है, नेटवर्क ऑफ क्रॉस लिंकिंग मैक्रोमॉलिक्यूल, जैसे कि मैंने कहा कि उसमें लूज क्रॉस लिंकिंग हो, स्वोलन बाय अ लिक्विड दैट हैज स्ट्रॉन्ग अफिनिटी टू द चेन सेगमेंट बिटवीन द क्रॉस लिंक पॉइंट। द वॉल्यूम रेशियो ऑफ द लिक्विड टू पॉलीमर इन द जेल कैन अबव 99%, 99% तक ये वाटर जो है अब्जॉर्ब कर सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ जेल, ड्रामेटिक इंक्रीज इन वॉल्यूम बाय स्वेलिंग, तो पानी या कोई भी सॉल्वेंट अब्जॉर्ब करके उसके वॉल्यूम में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। मैकेनिकली इन बिटवीन अ सॉलिड, एक सॉलिड और लिक्विड होता है, सॉलिड में क्या होता है शेप सेम रहती है, मॉडल सेम रहता है, लिक्विड में क्या होता है डिफॉर्मेशन लॉस हो जाता है, यानी प्रॉपर्टीज लिक्विड जैसी भी है सॉलिड जैसी भी। स्पेशल केस हाइड्रोजेल जो है वो जेल का स्पेशल केस है, ये ऐसे क्रॉस लिंक पॉलीमर है जो वाटर को एब्जॉर्ब करके स्वेल होते हैं, उन्हें कहते हैं हाइड्रोजेल। पॉलीमर जेल में ये हम एक जो है वो यहाँ पे वीडियो जो है एक्सपेरिमेंट में आप सामने दिखाना चाहता हूँ कि हम एक हाइड्रोजेल बनाते कैसे हैं। ये हमारे पास लिंक है, इन लिंक के थ्रू मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास ये कैसे बना।
करना है, बीकर में जिसमें मैग्नेटिक स्टरर हो, बीकर को हॉट प्लेट के ऊपर रखना है, 15 ml वाटर ऐड करना है, उसके बाद 3 ml एक्रिलिक एसिड ऐड करना है उसमें, उसके बाद एन एन मिथाइलिन बेस एक्रिलामाइड ऐड करना है 30 mg जो कि क्रॉसलिंकर के तौर पर काम करेगा। उसके बाद 30 mg एक इनिशिएटर अमोनियम परसल्फेट ऐड करना है। फाइव मिनट्स बाद हम देखेंगे, दोबारा से देख लो प्लीज आप। बीकर हॉट प्लेट के ऊपर है, 3 ml वाटर ऐड किया बीकर में, सर मैं तो फ्री हूँ, थोड़ा वेट कर, एक से थोड़ी बात, मैं सर हाँ बांधा गया जल्दी लैब के बारे का स्टार्ट है वो जो ही होता है, मैंने आइडिया नहीं बताया इसका मतलब, चलो यूं ही होता है। ठीक है सर, ओके। जब ये तमाम चीज़ें हम मिक्स कर लें, तमाम चीज़ें मिक्स करने के बाद हमको 5 मिनट, एक हमारे पास ये है, एक और जो है दूसरा दिन सामने, जब ये 5 मिनट बाद हो जाता है उसके बाद क्या होता है, आई जस्ट वांटेड टू शो, जब ये हो जाता है बाद क्या होता है। आप इसमें जो हाइड्रोजेल है वो बन गई, और हाइड्रोजेल जो है से क्योंकि सॉल्वेंट था उसमें पार्टिकल था तो स्वेल भी कर, ये देखें कितना स्वेल कर। इस तरीके से जो हाइड्रोजेल है इस एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने देख लिया है, इन द बिगनिंग वी हैव अ मोनोमर डिजॉल्व इन मोनोमर सॉल्वेंट में, इन दिस केस इट इज एक्रिलिक एसिड डिजॉल्व इन वाटर, देन ऐड क्रॉस लिंकर एंड रिएक्शन प्रोसीड्स, इवन वी विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस लिक्विड चेंजेस ड्रास्टिक, वी फॉर्म सम सॉलिड लाइक मटेरियल, स्टीरर डज नॉट मूव सो मच एनी मोर, अ वेरी स्लिमी सोक्ड अप मटेरियल इज ऑब्टेंड, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजेल। हाइड्रोजेल की एप्लीकेशन क्या है, आपके पास जो ये डाइपर होता है बच्चों का, ये हाइड्रोजेल मटेरियल का बना होता है, ये सुपर एब्जॉर्बर है वाटर का, इस तरह जो कॉन्टैक्ट लेंस आई में डालते हैं वो भी इसी तरीके से डालते हैं, अगर कोई हार्ड मटेरियल होगा तो आई में जो है वो इरिटेशन जो है वो प्रोड्यूस करेगा, अगर कोई हार्ड मटेरियल होगा वो आई में इरिटेशन करेगा, इसलिए हाइड्रोजेल का मटेरियल होता है ताकि आंख में जो पानी है उसके थ्रू पहले वो मटेरियल पानी अब्जॉर्ब करके ताकि इरिटेशन ना हो, वो भी हाइड्रोजेल का होता है।
इसी तरह कुछ ड्रग डिलीवरी में कैप्सूल इस्तेमाल होते हैं, वो भी हाइड्रोजेल मटेरियल के होते हैं। जिस जगह पर ड्रग रिलीज करना होती है उस इन्वायरमेंट में जाके हाइड्रोजेल जो है वो स्वेल करती है और वहां जाके ड्रग रिलीज करती है। स्किन क्रीम जो है ये भी दरअसल हाइड्रोजेल है। इसी तरह हमारे पास फूड काफी सारे जेली वगैरह ये हाइड्रोजेल की है। ये जो सनी प्लास्ट वगैरह जख्म पे लगाते हैं ये भी हाइड्रोजेल मटेरियल का बना हुआ है, क्योंकि अगर हम किसी जख्म पे लगाएंगे अगर हाइड्रोजेल नहीं होगी तो वो जख्म के साथ डायरेक्ट स्किन के साथ कॉन्टेक्ट में होगा, जो उतारने की कोशिश करेंगे साथ स्किन फिर फट जाएगी दोबारा से। इसलिए हाइड्रोजेल मटेरियल होता है उसमें वाटर या कोई सॉल्वेंट होता है और वो स्किन के साथ जख्म के साथ वो अटैच नहीं होती और जख्म वॉन्ड ड्रेसिंग में यूज होती है। इस तरह हमारे पास इलेक्ट्रोफ्रेसिस जो है प्रोटीन की सेपरेशन के लिए हम करते हैं, ये भी जेल इलेक्ट्रोफ्रेसिस। सुपर एब्जॉर्बर मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजेल सुपर एब्जॉर्बर और डाइपर एक्टिव इंग्रेडिएंट हियर इज द हाइड्रोजेल विच इज सुपर एब्जॉर्बर। डाइपर में हाइड्रोजेल सुपर एब्जॉर्बर है वाटर के लिए। कॉन्टैक्ट लेंस इज यूज टू एडजस्ट द रिफ्लेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नॉट रिफ्लेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर द शेप ऑफ योर लेंस। कॉन्टैक्ट लेंस मस्ट बी लुब्रिकेटेड विद वाटर इन ऑर्डर टू फिट नाइसली। दिस इज वाई वन यूज हाइड्रोजेल एज कोटिंग फॉर कॉन्टैक्ट लेंस टू अवॉइड इरिटेशन। ड्रग डिलीवरी में ऑल काइंड ऑफ ड्रग डिलीवरी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाइड्रोजेल। वेन एवर यू हैव सम काइंड ऑफ कंट्रोल रिलीज मैकेनिज्म यू नीड टू हैव समथिंग दैट यू स्वेल एंड यू स्वेलो एंड इट विल टेक सम टाइम अंटिल इट डिजॉल्व इन योर स्टमक। स्किन क्रीम ऑल काइंड ऑफ मॉइस्चराइजिंग स्किन क्रीम्स एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आर नथिंग एल्स बट आइदर हाइड्रोजेल और हाइड्रोस्कोपिक पॉलीमर। द फूड में इन फूड हाइड्रोजेल आर वेरी कॉमन। एनी थिंग दैट लुक स्लिमी एंड जेल लाइक कंटेन्स फूड ग्रेडेबल हाइड्रोजेल। बोन ड्रेसिंग में हाइड्रोजेल ऑल्सो यूज इफ यू हैव अ लिटिल कट बट इन केस ऑफ सिवियर इंजरी यू हैव टू कवर इट आर पुट प्लास्टर ऑन दैट कट एंड वेन यू रिमूव प्लास्टर इट स्टार्ट ब्लीडिंग अगेन बिकॉज क्रस्ट दैट फॉर्म विल अटैच टू द सॉलिड मटीरियल ऑफ योर कवर एंड देन वेन यू रिमूव इट इट टेयर्स ओपन अगेन दोबारा फट जाता है। हेयर वी नीड समथिंग दैट प्रिवेंट्स रिमूवल ऑफ दिस क्रस्ट फॉर्मेशन एंड प्रोटेक्टिव स्किन फॉर्मेशन एंड देयर यू कैन यूज हाइड्रोजेल दैट सोक अप वाटर टू प्रिवेंट अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद अंडरलाइंग सर्फिस ऑफ स्किन। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस दिस मेथड इज टिपिकली टू सेपरेट और एनालाइज प्रोटीन इज नथिंग बट हाइड्रोजेल दैट यू कैन प्रोवाइड सर्फिस फॉर प्रोटीन टू मूव अराउंड। एज टू कल्चर बैक्टीरिया एगर प्लेट्स यूज विच आर ऑल्सो हाइड्रोजेल बिकॉज दे प्रोवाइड लिक्विड इन्वायरमेंट टू बैक्टीरिया बट ऑल्सो मिक्सड विद सम सॉलिड फॉर देम टू सॉल्व। हाइड्रोजेल वाटर आपके में देखें ये हमारे पास जो है एक हाइड्रोजेल है, वाटर से इतनी ज्यादा स्वेल हो गई। तो कॉन्टैक्ट लेंस देखें पॉलीमर इज वाटर सॉल्युबल एंथाल्पिकली फेवरेबल इंटरेक्शन बिटवीन चेन एंड वाटर ड्यू टू क्रॉस लिंकिंग इम्पॉसिबल टू डिजॉल्व स्वेलिंग टू अपटेक ऑफ वाटर। क्रॉस लिंकिंग में डिजॉल्व नहीं होता लेकिन वाटर अब्जॉर्ब कर स्वेल हो जाता है। पॉली एक्राइलेट डाइपर्स कैन अब्जॉर्ब 500 टाइम्स देयर वेट इन वाटर। आप इसके एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। वो क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि डाइपर कैसे काम करते हैं। एक्सपेरिमेंट इस तरीके से कर सकते हैं कि आप एक डाइपर लें या पैम्पर लें, आप उसका वेट करें और फिर आप 1 लीटर बोतल पानी की लेके वो 1 लीटर पानी उसके अंदर डाल दें। आप देखेंगे कि वो सारे का सारा 1 लीटर पानी उसने अब्जॉर्ब कर लिया है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजेल होती है, उसने अब्जॉर्ब कर लिया और लीक भी नहीं हो रहा। तो इस तरह जो है स्किन जो है वो ड्राई रहती है, उसने वाटर अब्जॉर्ब कर लिया। दोबारा वेट करें उसका, आप देखेंगे कि सपोज उसका वेट पहले 40 ग्राम है तो आप 1 लीटर पानी डाला है तो उसका वजन 1 किलोग्राम या इतना ज्यादा उसने वाटर जो है जज्ब कर लिया। 1 लीटर वाटर कम से कम पूरे डाइपर अब्जॉर्ब कर सकता है। दे आर वेरी एफिशिएंट सोकिंग अप वाटर। परफॉर्म एक्सपेरिमेंट बाय वेइंग द डाइपर। पहले डाइपर को वेट कर लें फिर 1 लीटर पानी डालें जो उसके अंदर चला गया है और बाहर नहीं आ रहा, फिर उसका वेट कर। उसके बाद हमारे पास जो है वो स्टिमुलाई रिस्पॉन्सिव जेल्स हैं। हाइड्रोजेल दैट स्वेल और कॉन्ट्रैक्ट अपॉन स्टिमुलस। ऐसी हाइड्रोजेल जो स्टिमुलस से मुराद टेम्परेचर हो सकता है, हाइट हो सकती है, पीएच हो सकती है, ऐसी हाइड्रोजेल जो एक खास कंडीशन के तहत स्वेल कर जाए और फिर बाद में डीस्वेल कर जाए। पॉलीमर विद क्रिटिकल टेम्परेचर। टिपिकल एग्जाम्पल हमारे पास पोली एन आइसोप्रोपाइल अक्रिलामाइड है, जिसको पी एन आई वो हम बोलते हैं। हमारे पास ये है, यहाँ पे हमारे पास देखें इसमें हमारे पास ये फिलिक सेंटर है, फिलिक पार्ट है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जब हाइड्रोजन बॉन्ड रिलीज होगी
जैसे एंथालपी हमारे पास कम, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये हाइड्रोफिलिक है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है जिससे हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है, और एंथालपी हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। इसी तरह ये वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक है, वाटर के मालिक्यूल जो जहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हैं ये इस मालिक्यूल को क्या करते हैं, इस मालिक्यूल को सराउंड कर लेते हैं, जैसे इसकी एंट्रॉपी जो है वो हमारे पास हो जाती है कम, यानी एंट्रॉपी की वैल्यू नेगेटिव होती है। ऊपर वाले पार्ट ने एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव कर दी, नीचे वाले पार्ट ने एंट्रॉपी की वैल्यू नेगेटिव कर दी। अब आप लोग देखें, जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं इसकी वैल्यू तो नेगेटिव होती है, जब हाइड्रोफोबिक पार्ट को वाटर के मालिक्यूल सराउंड करते हैं और इसमें एक तरतीब आ जाती है, एक ऑर्डर आ जाता है, जब ऑर्डर आ जाए तो हम कहते हैं एंट्रॉपी कम हो रही है, तो डेल्टा एस की वैल्यू भी नेगेटिव हो गई। जब डेल्टा एच जो है हमारे पास, डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो हम कहेंगे ऐसी हाइड्रोजल जो है वो डिजॉल्व हो जाती है, जबकि अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव हो तो डिजॉल्व नहीं होती। अब डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव कैसे हो सकती है वो देखते हैं। अगर हमारे पास डेल्टा एस नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव की साइन है, तो ये नेगेटिव और नेगेटिव मिलके पॉजिटिव, तो सेकंड टर्म हमारे पास पॉजिटिव है। अब हमारे पास नेगेटिव वाली टर्म बड़ी है या पॉजिटिव वाली टर्म बड़ी है, इस पे डिपेंड करता है कि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव वाली टर्म या सेकंड टर्म बड़ी है तो हम कहते हैं कि डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म बड़ी है, ये वाला नंबर बड़ा है, दूसरे वाला नंबर छोटा है, तो हम कहते हैं इसका आंसर नेगेटिव आएगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है? तो टेम्परेचर जो है वो डिसाइड करता है कि सेकेंड टर्म बड़ी होगी या छोटी होगी। ये तो हम देख चुके हैं कि डेल्टा एच नेगेटिव होता है और हाइड्रोफोबिक पार्ट की वजह से डेल्टा एस भी नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव और नेगेटिव ये वाला दरमियान वाला पॉजिटिव हो जाते हैं। अब टेम्परेचर डिसाइड करते हैं, अगर टेम्परेचर होगा ज़्यादा, अगर टेम्परेचर होगा ज़्यादा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होने से दूसरा नंबर जो है हमारे पास ये बड़ा हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा, जब दूसरा नंबर बड़ा होगा पॉजिटिव टर्म वाली टर्म बड़ी होगी और हमारे पास नेगेटिव टर्म छोटी होगी, तो आंसर नेगेटिव आएगा, सॉरी पॉजिटिव आएगा। जब ये पॉजिटिव आएगा तो हम कहते हैं ये इनसॉल्युबल, क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव। लेकिन अगर हमारे पास टेम्परेचर कम हो, जब उसको डेल्टा एच के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कम आएगा, जब आंसर कम आएगा तो सेकेंड टर्म की वैल्यू कम आएगी, फर्स्ट टर्म की वैल्यू ज्यादा आएगी, नेगेटिव वाली टर्म पॉजिटिव वाली टर्म से बड़ी है, तो हम लोग कहते हैं कि आंसर यहाँ पे नेगेटिव आएगा। लो टेम्परेचर पे ये सॉल्युबल है, हाई टेम्परेचर पे इनसॉल्युबल। ये हाइड्रोफिलिक एंड फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, एंथैल्पी कम होती है, बॉन्ड बनने से एनर्जी रिलीज होगी, एंथैल्पी कम होती है। हाइड्रोफोबिक जो है रिड्यूस एंट्रॉपी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर बिकॉज ऑफ री ओरिएंटेशन, क्योंकि वाटर के मालिक्यूल की ओरिएंटेशन होती है, वाटर के मालिक्यूल जो है वो हमारे पास केज बना लेते हैं इसके गिर्द, जैसे एंट्रॉपी कम होती है। तो मुख्य ये कि हमारे पास जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये मटेरियल सॉल्युबल हो, इनसॉल्युबल होगा, टेम्परेचर कम होगा तो मटेरियल हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कम। तो इस तरीके से टू मेक कंपाउंड सॉल्युबल डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। डेल्टा जी कैसे नेगेटिव हो सकता है, बाय लोअरिंग एंथैल्पी, एंथैल्पी बिकम्स नेगेटिव बाय मेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, फर्स्ट टर्म बिकम नेगेटिव। हाउ कैन बी एंट्रॉपी नेगेटिव, बाय लोअरिंग एंट्रॉपी ड्यू टू ओरिएंटेशन अराउंड हाइड्रोफोबिक ग्रुप, एंट्रॉपी बिकम्स नेगेटिव, सेकंड टर्म बिकम पॉजिटिव, सो एट लोअर टेम्परेचर द सेकंड टर्म बिकम लेस पॉजिटिव एंड फर्स्ट टर्म बिकम हाईली नेगेटिव, सो ओवरऑल रिजल्ट इज डेल्टा जी बिकम नेगेटिव एंड पॉलीमर इज सॉल्युबल, और हाई टेम्परेचर पे वो इनसॉल्युबल है। या आप देखिए, सपोज हमारे पास टेम्परेचर सेंसिटिव हमारे पास जो जेल है, इसमें हमारे पास क्या है, जूं तो हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारे पास जो स्वेलिंग डायमीटर है या स्वेलिंग रेशियो है वो हमारे पास कम होती है, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर पर वो इनसॉल्युबल है, वो कम स्वेल होता है, ज़्यादा टेम्परेचर पे स्वेलिंग क्योंकि कम होती है, इस वजह से डायमीटर कम होता है। लो टेम्परेचर पे ये है, हाई टेम्परेचर पे वाटर में इतना ज़्यादा नहीं जा रहा, जिसमें हाई टेम्परेचर पे डायमीटर कम है, लो टेम्परेचर पे डायमीटर ज़्यादा ये। और इस तरह हमारे क्रॉस लिंकर की जो रेशियो है वो बढ़ाने के साथ साथ, आप लोग क्यों ही क्रॉस लिंकर की रेशियो आप बढ़ाएंगे, जो नेटवर्किंग पॉइंट नज़दीक नज़दीक होंगे और नेटवर्किंग पॉइंट नज़दीक नज़दीक होंगे तो वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी जो है वो कम होगी। तो 10% क्रॉस लिंकर है, नेटवर्किंग पॉइंट ज़्यादा नज़दीक नज़दीक हैं, वाटर अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम है, इस वजह से यहाँ जो डायमीटर है जेल का वो भी कम। तो बड़ी आसानी से समझ आ जाने वाला है। इसी तरह हमारे पास ये एक जो हाइड्रोजेल है
वाटर अब्जॉर्ब करके किस तरह स्मेल करती होगी, टेम्परेचर सेंसिटिव कोलैप्स, इफ यू मेक हाइड्रोजेल यू सी एट लोअर टेम्परेचर इट स्मेल्स एंड हाई टेम्परेचर इट कोलैप्सेस, दिस इज फ्रॉम आवर ग्रुप एंड यू सी नो पॉलीमेरिक पार्टिकल मेड आउट ऑफ एग्जैक्टली दिस थिंग, द डायमीटर एट हाई टेम्परेचर वेरी लो एंड एट हाई टेम्परेचर इट स्वेल्स अप एंड टेक अप अ लॉट ऑफ वाटर, लेकिन कुछ में उल्ट होता है कि हाई टेम्परेचर पे वो जो हाई डायमीटर एट हाई टेम्परेचर वेरी लो एंड एट हाई टेम्परेचर इट स्वेल्स अप एंड टेक अप अ लॉट ऑफ वाटर, डिपेंडिंग ऑन द क्रॉस लिंकर कंसेंट्रेशन, ये और सेंटेंस उल्ट लिखा है इसको इग्नोर करें, डिपेंडिंग ऑन द क्रॉस लिंकर कंसेंट्रेशन इट्स वेल, वो जैसे बताया लोअर क्रॉस लिंक कंसेंट्रेशन 1% गिव द हाईएस्ट वैल्यू, क्रॉस लिंकर की कंसेंट्रेशन जितनी कम होगी स्वेलिंग इतनी ज्यादा होगी, द हाईएस्ट क्रॉस लिंकिंग कंटेंट गिव द लोएस्ट स्वेलिंग एग्जैक्टली एज वी हैव प्रिडिक्टेड फॉर हाइड्रोजेल, ये वो टेक्नोलॉजिकली इंपॉर्टेंट हाइड्रोजेल जो है, केमिकल स्ट्रक्चर उनका क्या है, उनका नाम क्या है, उनकी एप्लीकेशन क्या क्या है, वो अभी हम देखते पोली एसिटिक एसिड हमारे पास है, पोली एक्राइलेट है, ये उनका स्ट्रक्चर है, सुपर एब्जॉर्बर के तौर पर यूज होते हैं, इसी तरह हाइड्रोक्सी इथाइली इथाइल हाइड्रोक्सी इथाइल मेथाक्राइलेट जो है ये है, ये यूज होता है कॉन्टैक्ट लेंसेज में, पोलीक्रिलामाइड जो है पोलीक्रिलामाइड ये होता है कॉन्टैक्ट लेंस में, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और केमिकल स्ट्रक्चर नेम और एप्लीकेशन कुछ और हैं, जिलेटिन है ये एक नेचुरल हमारे पास प्रोटीन है या पॉलीपेप्टाइड है, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज है, जिलेटिन जो पॉलीपेप्टाइड है, इस तरह एल्जिनेट जो है ये देखें कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज जिसमें शुगर के यूनिट्स इस तरह मिले हुए हैं, तो जो हमारे पास जिलेटिन है फूड इंडस्ट्री में या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, एल्जिनेट जो है फूड इंडस्ट्री में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, बोन ट्रीटमेंट में कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज फूड इंडस्ट्री में और बोन ट्रीटमेंट में यूज होता है, इस तरह हाइड्रोजेल जो है इसका एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं एट होम, फोटा गमी बियर इन वाटर देखें तो क्या करते हैं, वो स्वेल कर जाएगा, ये हमारे पास एक इसका हिस्सा था, नेक्स्ट हमारे पास तालाब की पॉलीमर है जिसको हम जो है वो बात डिस्कस करें, ओके जी आप भी